बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की जब से कोरोना वायरस से ग्रसित होने की खबर सामने आई है, तब से लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो 15 मार्च को ही कनिका लंदन से लखनऊ आई थी और एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट कर्मियों की मिलीभगत से बाथरूम में छिपकर निकल भागी थी। बीते शुक्रवार को लखनऊ में कनिका को कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें वो पॉजिटिव पाई गई थी। वहीं कनिका कपूर को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, कनिका के साथ कल्पना टावर में मौजूद 35 लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। कनिका के साथ कल्पना टावर में 35 में से 11 लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आया है। वहीं अभी 24 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। न्यूज एजेंसी NI ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए बताया, कल्पना टावर जहां कनिका कपूर अपने अंकल के साथ 13 मार्च को रुकी थी, वहां रहने वाले 35 लोगों ने कोरोना वायरस टेस्ट करवाया, जिसमें से 11 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 24 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। बता दें, सिंगर कनिका कपूर पर कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही बरतने के लिए UP में 3 FIR दर्ज करवाई जा चुकी है। जानबूझकर संक्रमित फैलाने के मामले में लखनऊ के थाना हजरतगंज, महानगर, गोमती नगर और सरोजनी नगर थाने में कुल 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी कनिका का तेवर कम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाल ही में लखनऊ के जिस PGI हॉस्पिटल में कनिका को आइसोलेशन में रखा गया है, उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर RK धीमान ने लिखित बयान जारी करते हुए कनिका कपूर पर ढेर सारे इल्जाम लगाए हैं। हॉस्पिटल वालों का कहना है कि कनिका इलाज में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है, वो एक पेशेंट नहीं बल्कि स्टार जैसा व्यवहार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।